एक वक्त था जब हम पाकिस्तान ड्रामा बेडर होके फुल खुशी से अपनी फैमिली के साथ ड्रामा देखते थे। हमें पता था ये ड्रामे बिल्कुल साफ होने वाले हैं और इसमें कुछ बेहुदा सीन नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान ड्रामा में बहुत बेहुदा सीन दिखाए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो का टाइटल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जी हाँ, इसका यही टाइटल है, इज दिस एक्सेप्टेबल? क्या हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं या हम लोग इस चीज के आदि हो चुके हैं? इस सारी चीज पे बात करेंगे कि ये ड्रामों में ये सीन क्यों मिलाने पर मजबूर हो गए या क्या वजह इस चीज पे, सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो देखिए काफी मजा आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो मैं पर्सनली बताऊं ना, मुझे ये ड्रामे बहुत पसंद है, यानी कि जितने भी पाकिस्तानी ड्रामा लगते हैं ना, उन वो मेरे सारे फेवरेट ड्रामे, उनको मैं बहुत जबरदस्त करता हूं। लेकिन एक बात हमें कभी भी भूलनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और इस्लाम हमारा मजहब या कोई भी मजहब हमें ये इजाजत नहीं देता है कि बेहुदा सीन्स अपनी मूवीज ड्रामों में शामिल करें। जैसे आप जानिसार ड्रामे में कुछ सीन ऐसे है, इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बजक ड्रामा गुजरा है उसमें काफी ज्यादा सीन है। तेरे बिन ड्रामा था, उसमें काफी ज्यादा सीन थे। उसके बाद मनजोगी ड्रामा, इसके स्टोरी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ सीन की बात करूं, पहले एपिसोड में काफी डिस्टर्बिंग सीन मुझे लगे हैं। इन दोनों का निकाह होता है, इब्राहिम का और साथ हमें जो सबीना फरूक का कैरेक्टर, उनका निकाह होता है। बात ये है कि पाकिस्तानी ड्रामा वाले कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, लोग हमारे पाकिस्तान वाले ने इससे ज्यादा चीजें देखी है, बॉलीवुड की देखी, हॉलीवुड की देखी, अब उनको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यानी कि अब इस बात से लोग कहेंगे यार हमारे जो लोग हैं वो ऑनलाइन इसे ज्यादा से ज्यादा गंदबला देखते हैं, तो आप इस पे उन पे बात नहीं करते, इस पे बात करते। तो भाई वो एक एज के बाद सबको मोबाइल दिया जाता है और ये जो टीवी है ना जिस पे ड्रामे लगते हैं वो हर किसी के घर में है, यानी कि छोटे से छोटे बच्चे ड्रामा देख रहा होता है, तो आप उसको क्या तालीम दे रहे हैं, उसको क्या एजुकेट कर रहे हैं, ये सब कुछ दिखा रहे हैं उसको। तो मेरे ख्याल से आपको इस रूटीन से निकलना चाहिए, हम लोगों को फील ही नहीं होता है कुछ ये गलत दिखा रहे हैं टीवी पे, सारे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। टीवी पे जो दिखाओ साफ सुथरा दिखाओ। बाकी आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं जाएं को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।